नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। उत्तर प्रदेश के शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। यहां सदरपुर इलाके में एक बाइक पर सवार होकर आए युवक ने एक घर के बाहर खड़ी मर्सिडीज कार पर पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा दी। आग लगी देखकर आनंद फानंद में बाइक पर सवार होकर वो युवक फरार हो गया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मर्सिडीज कार मालिक ने इस पूरी घटना की शिकायत नोएडा के पुलिस थाने में दी, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। इस मामले में युवक के बदला लेने की बात सामने आ रही है। प्राथमिक जांच में यह पता चला कि युवक एक टाइल्स लगाने वाला मिस्त्री है। उसने मर्सिडीज कार के मालिक के घर में टाइल्स लगाने का काम किया था और उसे अपना पूरा पेमेंट नहीं मिला, जिसकी वजह से वो नाराज था और इसी नाराजगी की वजह से उसने घटना को अंजाम दिए जाने का उसके ऊपर शक जताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज से कार मालिक ने टाइल्स मिस्त्री की पुष्टि भी की है। यह घटना नोएडा के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र में हुई, जहां एक घर के बाहर खड़ी मर्सिडीज कार पर बाइक सवार युवक ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। मर्सिडीज कार में जब आग लगी तो वो देखकर युवक मौके से ही फरार हो गया। वहीं ये पूरी घटना पास में ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस की प्राथमिक जांच में ये बात सामने आई कि कुछ दिन पहले मर्सिडीज के मालिक ने अपने घर में मिस्त्री से टाइल्स लगवाने का काम कराया था और जिसके पैसे बकाया रह गए थे, जो मर्सिडीज के मालिक ने मिस्त्री को नहीं दिए थे। दावा किया जा रहा है कि पूरे पैसे न मिलने की वजह से बौखलाए मिस्त्री ने मर्सिडीज पर पेट्रोल छिड़क कर उस कार को आग के हवाले कर दिया और वहां से फरार हो गया। हालांकि बाइक सवार युवक ने हेलमेट पहन रखा था, इसके बावजूद मर्सिडीज के मालिक ने युवक की पहचान कर ली है और पुलिस को भी उसकी जानकारी दे दी। वहीं पुलिस ने बताया कि नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घर के बाहर खड़ी मर्सिडीज कार में बाइक सवार युवक ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई है। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मर्सिडीज कार के मालिक ने यह भी जानकारी दी कि कुछ दिन पहले उसके घर में टाइल्स पत्थर लगाने का काम किया गया था और इसके पैसे नहीं देने की वजह से उस मिस्त्री ने इस घटना को अंजाम दिया है। टाइल्स मिस्त्री मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहता है। मर्सिडीज के मालिक की इस शिकायत के बाद आग लगाने वाले मिस्त्री की पुलिस अभी तलाश कर रही है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। उस मिस्त्री की ऐसी अजीबोगरीब हरकत पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।